गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ और टेंथ वाले बच्चे, जिससे कि आपके जो संधि प्रकरण है वह कंप्लीट हो चुका था उत्तर विसर्ग संधि के साथ ही। आज अपन नया टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नए टॉपिक का नाम है समास प्रकरण। जैसे कि आपको बताया कि समास के बारे के अंदर जिस संधि की परिभाषा याद होगी, तो वैसे ही समास की है। संधि में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से उत्पन्न विकार को जो है संधि कह रहे थे, जबकि समास में क्या होगी, शब्द या शब्दांश मिलेंगे। संस्कृत के अनुसार अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो आपको बहुत ही शॉर्ट परिभाषा जो है आप इसकी याद कर सकते हो, केवल दो शब्दों की ये वाली जो परिभाषा है। यदि आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है तो आप ये दो शब्दों वाली ये परिभाषा आप एग्जाम में लिख सकते हो, शमशनम समासः है। परिभाषा का नाम है शमशनम समासः है, मतलब समशनम समासः का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक जो शब्द या शब्दांश से मिला हुआ एक सार्थक जो शब्द होता है वह समास कहलाता है। हालांकि इसको संस्कृत के अनुसार जैसे बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम, बहुत से पदों को मिला करके एक पद जो बनाया जाता है उस एक पद को भी जो है क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। इसी प्रकार से परस्परान्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समास है, अलग अलग जो पद थे, ठीक है, जो टुकड़ों में अलग अलग पद थे उनका एकत्रीकरण कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, ठीक है, वह भी समास की परिभाषा ही है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं हैं। वैसे सार्थक परिभाषा जो मैंने आपको बताई है, जो पुस्तक में पेक है, अंडरलाइन है, समसनम समासः, आप इतनी ही परिभाषा जो है एग्जाम में लिख सकते हो। ये केवल और चीजें समझने के लिए है, ठीक है। आज अपन समास का जो बेसिक ज्ञान है, समास के बेसिक ज्ञान के बारे में जानेंगे, समास के प्रकारों के बारे में जानेंगे, बाकी आगे की चीजें एक 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 वीडियो के साथ जानेंगे, क्योंकि समास काफी लंबा टॉपिक है और इसे भी अपन जो है टुकड़ों में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ नहीं पढ़ सकते, काफी लंबा और जो है काफी लंबा टॉपिक है। तो समास बहुनाम पदानाम मेलने एक पद बहुनम, जैसे हिंदी के अनुसार जाने कि दो या दो से अधिक पदों के संक्षिप्त योग को समास कहते हैं। दो पद हो सकते हैं, दो से अधिक पद हो सकते हैं, उनका संक्षिप्तीकरण कहलाना ही समास को संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं कि संक्षिप्तीकरण कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से मिला हुआ जो पद होगा, दो पद थे, अलग अलग पद थे, एक जगह मिला दिया, इस प्रकार से अलग अलग जो पद थे उनको एक जगह मिला दिया, उसको समस्त पद कहेंगे अथवा उसको सामासिक पद भी कहते हैं। जैसे विद्याया आलय, जैसे मान लो ऐसे आ गया विद्याया आलय है। अब देखो समास विग्रह किया गया है, संधि में क्या होता था, यहाँ पे धन का चिन्ह आता था, इसमें धन का चिन्ह नहीं आएगा, तो ये तो हो गया विग्रह है, अलग अलग होगा तो विग्रह है। अब इसका अपन बना देंगे समस्त पद, समस्त पद, जैसे समस्त पद हो जाएगा विद्यायाः आलये, तो इसका समस्त पद हो जाएगा विद्यालय है, ठीक है, विद्या का घर। जैसे राज्य है, पुरुष है, ठीक है, ये तो विग्रह हो गया, इसका सामासिक पद हो जाएगा राज पुरुष है, राजा का पुरुष, ठीक है। जैसे एकम, एकम प्रति, ठीक है, एकम एकम प्रति मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा प्रति प्रतीक, ठीक है, एकम एकम प्रति प्रत्येक, ठीक है। इसी प्रकार से दिनम दिनम प्रति प्रतिदिन, ठीक है, अन्य रूप भी इसी प्रकार से बन जाएंगे। अब अपन बात करते हैं समास के प्रकारों की। ये विग्रह आएगा ऐसे और इसका समस्त पद बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि समास के अंदर एक विग्रह पद होता है और एक उसका समस्त पद बनाया जाता है। विग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह है, ठीक है। तो अपने जो अलौकिक विग्रह है वो अपने जो है कोर्स में भी नहीं है, लौकिक विग्रह जिस प्रकार से जो बने हुए हैं यही अपने कोर्स से रिलेटिव है, यही अपने पूछे जाते हैं।
तो अपने एग्जाम्पल कैसे पूछा जाता है, या तो विद्याया आलय से लेकर के समस्त जो है विग्रह पद दे करके अपने से पूछा जाता है कि समस्त पद बनाइए, तब अपन विद्यालय लिख करके आ गए और समास का नाम बता देगी। जैसे कि इसके अंदर जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है, समास जब अपन पढ़ेंगे एक 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 समास के बारे में जानेंगे तो अच्छे से अपन समझ लेंगे, ठीक है। जैसे एकम एकम प्रति प्रत्येक है, इसमें अव्ययीभाव समास है, अब कैसे अव्ययीभाव समास है ये इनके बारे में जब अपन समासों के बारे में जानेंगे, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद जो है मुख्य होता है, वो उन सब प्रत्येक समास के साथ अपन जो है प्रत्येक की परिभाषाएं जानेंगे। अब अपन बात करते हैं समास के प्रकारों की, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसको जो है वीडियो को फिर से रिवाइज करके और इनको लिख लेंगे। तो आगे बात करते हैं अपन समास के प्रकारों की। समास के भेद कह दें, समास के भेद कह दो चाहे प्रकार कह दो, समास के भेद तो देखिए अलग अलग विद्वानों के अनुसार और अलग अलग कोर्स के अनुसार जो है अलग अलग है, वैसे आपके अकॉर्डिंग जो है छह हैं। तो संस्कृत में समास छह प्रकार के होते हैं। अब देखो नाम याद करने के लिए आप एक छोटे से सूत्र से याद कर लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता की दादी बा, ऐसे शॉर्ट में याद कर लो समासों के नाम याद हो जाएंगे। पता की दादी बा, पता की जितने भी अपने जितने परिवार के सदस्य, पता की दादी बा, ठीक है। पता की दादी बा का मतलब हो जाएगा ए का मतलब हो जाएगा, इस ए का मतलब, ठीक है, इस ए का मतलब हो जाएगा पहला समास है, ठीक है, उसका नाम हो गया अविभाव, अविभाव समास, ठीक है। अत्ता की दादी बा, ते का मतलब हो गया तत्पुरुष समास, कह का मतलब हो गया कर्मधारी समास, बड़ा इंटरेस्टिंग सूत्र है और आसानी से याद हो जाएगा। द का मतलब हो गया द्विगु समास, फिर पांचवा द का मतलब हो जाएगा द्वंद्व समास, और फिर व का मतलब हो जाएगा बहुव्रीही समास। देखिए आज इनके बारे में छोटी छोटी जानकारियां मैं बता देता हूँ, फिर इनकी विस्तृत जानकारियां आगे के वीडियो के अंदर जो है अपन पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला समास है अविभाव समास, अविभाव समास का जो भाई अविभाव समास कहाँ होता है, तो देखिए अविभाव समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद, कोई भी समास होगा उसमें एक तो पूर्व पद होगा और एक होगा उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब पहला पद, उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद, ठीक है। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय वे शब्द जो कभी खर्च न होते हैं अव्यय कहलाते हैं, जैसे उपसर्ग भी एक तरह के अव्ययी कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला पद अव्यय आएगा अव्ययीभाव समास का, आसानी से अपन पहचान कर लेंगे कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण है जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद जो है संज्ञा हो तथा समस्त पद जो है नपुंसक लिंग एकवचन के अंदर प्रयुक्त होता हो अव्ययीभाव समास कहलाता है, ठीक है। अव्ययीभाव समास के जो उदाहरण है उनके बारे में भी जानेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में क्या होता है कि बाद वाला पद मतलब उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है, पहला पद जो होगा उसकी विभक्ति का लोप हो जाएगा और उत्तर पद जो है वह प्रधान होता है, मुख्य होता है। कर्मधारय समास, अब देखी जाए तो कर्मधारय और द्विगु समास है वह तत्पुरुष के ही भेद हैं। तत्पुरुष देखी जाए तो दो प्रकार से होता है, एक का नाम होता है समानाधिकरण तत्पुरुष और एक का नाम होता है वैधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तो तत्पुरुष जो होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे, तो यह द्वितीय विभक्ति से लेकर के
और सप्तमी विभक्ति तक, द्वितीय से सप्तमी विभक्ति पर्यंत होता है, मतलब दोनों जो विभक्तियां हैं विभक्ति के अनुसार होगा। समानाधिकरण मतलब जिनमें विभक्तियां समान आए, समानाधिकरण। और वैधीकरण, वैधीकरण तत्पुरुष, वैधीकरण तत्पुरुष के ही दो भेद हैं, कर्मदारीय है और दूसरा द्विगु है। ठीक है, ये कर्म यानी तत्पुरुष के ही दो सुपुत्र और हैं जिनका नाम कर्मदारीय है और द्विगु है। इनके अलावा जैसे केवल समास होता है जो आपके कोर्स से रिलेटिव नहीं है, इसलिए मैंने संस्कृत में समास छह प्रकार के बताए, वैसे पांच प्रकार के होते हैं। केवल समास, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीही, यह तत्पुरुष के ही दो भेद माने जाते हैं। ठीक है, मगर अपन पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अनुसार, अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं, न कि अपन कोई कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग और विस्तृत जो है मिलेगा। अपन पढ़ेंगे केवल अपने बेस के अनुसार, जैसा कि अपने टेंथ क्लास का जो बेस है, टेंथ क्लास में जिस प्रकार से दिया हुआ है उस बेस के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो तत्पुरुष समास है वह कर्मधारी और द्विगु के ही भेद माने जाते हैं, मगर अपन इनको सेपरेट अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अब कर्मधारी क्या होता है, जिस समास के अंदर विशेषण और विशेष्य आए, जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो, दो पद होते हैं ना, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, तो इसमें क्या होगा, पूर्व पद तो विशेषण होगा और उत्तर पद होगा वह विशेष्य होगा, या कहे कि उपमान और उपमेय होगा, उपमान और उपमेय होगा। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय हो वह समास कर्मधारी समास कहलाता है, या पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह समास कर्मधारी समास कहलाता है। द्विगु बहुत आसानी से पहचान कर लेंगे, जिस समास का प्रथम पद, प्रथम पद या पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची, संख्यावाची का मतलब गिनती आए, जैसे गिनती से संबंधित, जैसे पंचरात्रम, पंचानाम रात्रा, रात्राणाम समाहार है, पांच रातों का समूह है। ठीक है, चतुर्युगम, चतुराणाम युगानाम समाहार है, चतुर्युगम, और विग्रह करने पर समूह है शब्द या समाहार शब्द का बोध होता हो, विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार शब्द का बोध होगा तो द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, द्विगु का पहला पद संख्यावाची आएगा। द्वंद्व समास की बात करें तो दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद ही प्रधान होंगे, मतलब पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा, मतलब दोनों तराजू के दोनों जो पलड़े हैं वो बराबर रहेंगे, किसमें, द्वंद्व समास में। और विग्रह करने पर च का प्रयोग किया जाएगा, जैसे माता पिता, माता च पिता च, हिंदी के अनुसार हो जाएगा माता और पिता, च का अर्थ आपको पता है और होता है। ठीक है, तो माता च पिता च। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे राम लक्ष्मण, राम है च लक्ष्मण है च, राम और लक्ष्मण हो जाएगा। बहुव्रीही समास, अब देखो इसमें पहला पद प्रधान हो रहा था, इसमें दूसरा पद प्रधान हो रहा था, इसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय आ रहे थे, इसमें पहला पद संख्यावाची हो रहा था, इसके दोनों तराजू के दोनों पलड़े थे वो बराबर हो रहे थे, दोनों पद प्रधान हो रहे थे। और बहुव्रीही की बात करें तो बहुव्रीही समास कहाँ होता है, बहुव्रीही समास के अंतर्गत ये होता है कि जिस समास के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान न होकर के तृतीय अर्थ की प्रधानता हो, तृतीय अर्थ की प्रधानता हो, तीसरा अर्थ प्रधान हो, जहां पे तृतीय अर्थ की प्रधानता हो वह समास बहुव्रीही समास कहलाता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर है, तो पीतम अम्बरम यस्य सः, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान जो विष्णु है, श्री कृष्ण भगवान है, उनके पीताम्बर धारी हैं, तो तृतीय अर्थ की प्रधानता होगी। जैसे दशानन, दस आननानी यस्य सः, जिसके दस हैं सिर जिसके, अब दस सिर किसके हैं, रावण के, तो तृतीय अर्थ की प्रधानता होगी। वह समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान न हो करके तृतीय अर्थ की प्रधानता हो वह समास बहुव्रीही समास कहलाता है। तो जैसे अविभाव समास में पहला पद प्रधान हो रहा था, ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो रहा है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य जो है वो आ रहे हैं, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची आता है,
द्वंद्व समास में दोनों तराजू के दोनों पलटे बराबर आएंगे, मतलब दोनों पद प्रधान होंगे, और बहुव्रीहि समास के अंदर कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है। जैसे कि अपुन समास की परिभाषा आपने मैंने शॉर्ट में आपको बताई थी, समसनम समास है, आपको संस्कृत के अनुसार यही परिभाषा अच्छे से याद कर लेनी है। संस्कृत के अनुसार आपकी इसकी परिभाषा हो जाएगी समसनम समास है, जैसे दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों से मिला हुआ एक सार्थक शब्द है वो समास कहलाता है। तो आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और समास के बारे में जानने के लिए। तो आप जो समास का जो प्रकरण है उसे आप पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, और आगे के वीडियो के अंदर जो है उदाहरण वगैरह जो है आप भी एक बार देख करके याद करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।